तो स्टूडेंट स्वागत है आपका एक और वीडियो पर देखिए आज की वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा हूँ जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है अगर आप एमपी बोर्ड में हैं तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2022 में अब आपको भी एक्साइटमेंट होगी कि आपके जो एग्जाम है वो कब तक होंगे क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से जो टर्म वन के एग्जाम है उनकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है आपने अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं दिसंबर से उनके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके एमपी बोर्ड में टर्म वन और टर्म टू टाइप के एग्जाम नहीं होंगे आपके वही एग्जाम होंगे जैसे हमेशा से होते आए हैं आपके अभी दिसंबर में अर्धवार्षिक हो जाएंगे उसके बाद आपके जो मेन एग्जाम है वो होंगे अब वो कब कंडक्ट कराए जाएंगे तो इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज आई हुई है वही मैं आपको आगे की वीडियो में बताने जा रहा हूँ काफी ज्यादा शॉकिंग भी हो सकती है आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है हमारी तो तैयारी नहीं है बट अभी ये न्यूज आई हुई है ये कोई नोटिस नहीं आया हुआ है वहां से एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ये न्यूज है ऐसा हो सकता है आगे ये न्यूज पेपर में न्यूज आई हुई है अगर बोर्ड के मेंबर ने ये प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा और बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया तो हो सकता है कि जैसा अभी न्यूज में आया है वैसा ही हो तो वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं तो आप वीडियो जरा ध्यान से देखें और मैं आपको एक बात और बता दू अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आप जरूर से दबा के रखिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ और मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम के टाइम पे भी मैं आपको पर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दूंगा जिससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी तो अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन आप भी दबा दीजिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ फिर मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊंगा देखिए अभी तक जो एमपी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर तक आप अभी देखते आए हो कि एमपी बोर्ड की तरफ से तीन मेन एग्जाम होते थे वो मैंने आपको बता ही रखा है टर्मिनल एग्जाम आपके होते थे आपके हाफ ईयरली होते थे फिर आपके मेन एग्जाम होते थे तो देखिए इस बार ऐसी भी कंडीशन आई हुई है कि आपके अगर तीनों एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स है तो आपका जो मेन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा बनेगा तो इस बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा क्योंकि इस बारे में भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे तीनों एग्जामिनेशन से नंबर जोड़ेंगे और एंड का जो हमारा रिजल्ट है वो बनाया जाएगा तो मैं इसके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे आप जरूर से दबा दीजिए और अगर आपको बोध अध्ययन वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर मैंने उनके जो पीडीएफ है वो पोस्ट कर रखे हैं आपको खरीदने की जरूरत नहीं आप आराम से वहां से भी चेक कर सकते हैं अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रखा है कि फरवरी में आपके जो एग्जाम है वो हो जाएंगे अब ये कितना सच है कितना नहीं है ये हम आगे देखते हैं ये जो अभी आपको न्यूज दिख रही है आपके सामने ये अभी न्यूज़पेपर में आई हुई थी और वही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि इस न्यूज में क्या था अब देखिए अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं बाकी देखिए मेरी हैबिट तो नहीं है आप सभी को पता है कि मैं आपको न्यूज पढ़ के बताऊँ क्यूँकि न्यूज तो आप भी पढ़ सकते हो आपको समझ में आए या ना आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कभी नोटिस वगैरह पढ़ के कभी नहीं बताता हूँ मैं आपको अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूज में क्या बताया है तो देखिए अब मैं आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ देखिए आपने भी देखा है अभी प्रीवियस टू ईयर्स में क्या हुआ है कोविड के कारण बच्चों के ठीक तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं इस तरह की कोई अगर दिक्कत ना हो आगे तभी एम पी बोर्ड की तरफ से ऐसा डिसीजन करा जा रहा है अभी ये फिक्स नहीं है मैंने आपको बताया ये अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ है तो देखिए इस न्यूज में ये बताया गया है कि प्रीवियस दो ईयर देखते हुए जिसमें कि कोविड था उस कारण बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे थे तो इस बार बोर्ड ये सोच रहा है कि आपके जो एग्जाम है वो फरवरी में ही कंडक्ट करा दिए जाए जिससे कि अगर आगे ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपके जो एग्जाम है वो अच्छी तरीके से हो जाए क्योंकि देखिए कब तक प्रमोट करेंगे बच्चों को ये बात आप खुद भी समझ रहे हो और देखिए इसका एक मेन रीजन इन्होंने ये बताया है कि सीबीएससी की तरफ से भी यही सेम कंडीशन देखते हुए टर्म वन और टर्म टू इंट्रोड्यूस किया गया था उनके जो टर्म वन के एग्जाम है उसकी भी डेट शीट आ चुकी है दिसंबर में तो इसी को देखते हुए एम पी बोर्ड ने भी यही सोचा है कि आपका जो एग्जाम है वो पंद्रह फरवरी तक कंडक्ट करा दिए जाए अब देखिए ये फिक्स नहीं है ये फिक्स कब होगा तो देखिए अभी न्यूज़ में ये बताया गया है कि अभी इस वीक तो आपकी छुट्टियां रहेंगी तो इसके जो नेक्स्ट वीक बोर्ड की एक बैठक होगी उसमें ये एमपी बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं वो एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो कि बोर्ड के आगे जो उनका हेड है उनके सामने ये रखेंगे और अगर बोर्ड के मेंबर्स द्वारा और उनकी जो कमेटी है उनके जो हेड है उनकी तरफ से अगर ये परमिशन दे दी गई तो पंद्रह फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे तो अभी देखिए टाइम है अभी जो आपकी छुट्टियां रहेंगी इसके बाद जो मीटिंग होगी उसके बाद ही कोई डिसीजन आ सकता है तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा के रखिए अगर कोई भी डिसीजन आता है तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा और देखिए इस न्यूज में एक बात और कवर की गई है कि एम बोर्ड को अपना जो रिजल्ट है वो सुधारना है इसी कारण इन्होंने अपने जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं तो एग्जाम पैटर्न किस तरीके का हो गया है तो वो उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना दिया आई बटन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे कि एम बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेंटी उसके आगे आप जेनो अकेडमी अगर अटैच कर देंगे तो आपके पास जो वीडियो है वो आ जाएगी तो देखिए यही छोटी सी न्यूज थी ज्यादा कुछ तो था नहीं इसमें बट ये काफी ज्यादा शॉकिंग भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो पाए या ना हो पाए और पंद्रह फरवरी से आपके एग्जाम कंडक्ट हो गए तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके पास मात्र दो से ढाई महीने बचे हुए हैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन अब करनी है तो देखिए मैं आपको एक बात और बता अगर आप YouTube ओपन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग वीडियो दिख जाएंगी जिसमें कि आपको ये, कि आपका ये चेंज हो गया है वो चेंज हो गया है तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जो भी जेनर इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो आप समझ गए होंगे की पन्द्रह फरवरी तक भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं तो अपनी तैयारी आप उसी के हिसाब से रखिए क्योंकि देखिए चांसेस हैं मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है कि ये जो 15 फरवरी तक का एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव है इसको जारी कर दिया जाए क्योंकि काफ़ी जगह आप देखोगे कि कोविड के केसेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं तो अपनी तैयारी पूरी रखिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा